हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। आज से हम वीडियोस की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वह है कोडिंग विद पाइथन। अब ये कोडिंग क्या है, पाइथन क्या है, ये हम आगे बताएंगे धीरे धीरे। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। रिक्वेस्ट नंबर वन ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन हैं वो आपको टाइम पर मिलते रहें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप हमारी वीडियोस को देखें तो बिना स्किप करके देखें। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि समझाने वाले पार्ट को छोड़कर सीधे प्रोग्रामिंग के पार्ट पे आते हैं, कोडिंग के पार्ट पे आते हैं, और फिर उनके समझ में नहीं आता कि कोडिंग किस टॉपिक पे की जा रही है। इसलिए वॉच द वीडियोस विदाउट स्किपिंग। ओके, अब इन वीडियोज के थ्रू कोडिंग को सिखाने का हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है और वह है कि मिनिमम एज स्टूडेंट की 8 साल होनी चाहिए। जो बच्चे, जो स्टूडेंट 8 साल के या उससे ज्यादा एज के हैं वो हमारी वीडियोस के थ्रू कोडिंग को सीख सकते हैं, राइट। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या डोएक ओ लेवल ए लेवल बिलल कोर्स कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कोडिंग पहले से जानते हों। तो जब वो हमारी इन वीडियोज को देखेंगे स्टार्टिंग से तो उनके समझ में तो आएगी, लेकिन वो सोचेंगे कि ये क्या सिखा रहे हैं, तो बहुत ही बेसिक चीज सिखा रहे हैं। तो अगर उनको डाउट है तो वो हमारे चैनल पर जाइए और हमने कुछ वीडियो अपलोड की हैं प्रोग्रामिंग सीखी, वो हमारी प्रोग्रामिंग कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, तो उन्हें गलतफहमी दूर हो जाएगी उनकी कि हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते, राइट। अब हम बात करते हैं कि कोडिंग क्या है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, राइट। देखिए, कोडिंग बना है कोड से और कोड का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को अपने अकॉर्डिंग काम कराना, आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दी और कंप्यूटर ने उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, उसे कहते हैं कोड, राइट। पहले ये नाम था प्रोग्राम, तो प्रोग्राम या कोड एक ही चीज है। और जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग, ऐसे जब कोड लिखते हैं उसे बोलते हैं कोडिंग, और जो प्रोग्राम बनाता है उसे बोलते हैं प्रोग्रामर, और जो कोड लिखते हैं उसे बोलते हैं कोडर। तो प्रोग्राम कोड एक ही चीज है, प्रोग्रामिंग कोडिंग ये भी एक ही चीज है, और प्रोग्रामर या कोडर ये भी एक ही चीज है, राइट। अब कोडिंग है क्या एक्चुअल में, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सपोज आप बॉस हैं एक ऑफिस के और आपको 2-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया और आपने सोचा कि मेरी एब्सेंस में अब ऑफिस को कौन संभालेगा, तो आपने क्या किया, एक पेपर लिया और उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, जैसे कि सबसे पहले आपको 9 बजे ऑफिस खोलना है, उसके बाद 10 बजे आपको जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं सबकी अटेंडेंस लेनी है, और उसके बाद फिर आपको बाहर के काम काज निपटाने हैं, उसके बाद शाम को आपको ऑडिटिंग करनी है, और उसके बाद फिर आपको ऑफिस बंद कर देना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने एक पेज पर लिखी और उस असिस्टेंट को दे दी, तो असिस्टेंट ने उस पेज को उठाया और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी उस पेपर पे, तो वो एक तरह का कोड था उस असिस्टेंट के लिए, राइट। तो ऐसे जो भी आप देखते हैं स्क्रीन पे, जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, कोई आइकन्स हैं, या आपने देखा नीचे सबसे लास्ट में लोअर राइट कॉर्नर में डेस्कटॉप पर डेट और टाइम लिखा रहता है, तो इनकी भी कोडिंग की जाती है एक्चुअल में। तो ये था कोडिंग। अब ये कोडिंग करते क्यों है, कोडिंग इसलिए करते हैं, कोडिंग लेकर के मोटरसाइकिल के मीटर से आपका वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, मोबाइल एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, गेम्स, वेबसाइट्स, जीपीएस, प्लेन, रोबोट, इन सब में प्रोग्रामिंग या कोडिंग का ही खेल है। अब जीपीएस देखिए, जीपीएस जैसे आपकी कोई गाड़ी है, आपने उसे जीपीएस लगाया और आप जानना चाहते हैं कि मैं कहीं पे भी हूं, तो अपने मोबाइल के थ्रू आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी की इस टाइम लोकेशन क्या है, तो वो सब कोडिंग का खेल है। या आपका स्मार्ट एसी है, तो आपने स्मार्ट एसी को अपने रूम में लगाया और आप ऑफिस में हैं और आप ऑफिस से आने वाले हैं घर पे, और आपने सोचा कि भाई जब तक मैं घर जाऊं मैं चाहता हूं कि मेरा जो एसी है वो ऑन हो जाए, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की और आपने अपने एसी को अपने ऑफिस से ऑन कर दिया, जैसे आप घर तक पहुंचेंगे तो आपका जो रूम है वो ठंडा मिलेगा। तो ये सब कमाल किस चीज का है, सब कोडिंग का है, आप समझे। तो कोडिंग हम इसीलिए सीखते हैं जिससे कि हम भी एप्लीकेशन बना सकें, हम भी कुछ ऐसा कारनामा कर सकें। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक आप जानते हैं किसने बनाई, मार्क जुकरबर्ग ने बनाई। तो ये फेसबुक की जो कोड है, जो कोडिंग है, वो क्या है, वो हम भी देखना चाहते हैं, हालांकि आपके अभी समझ में नहीं आएगी लेकिन आप देख तो सकते हैं।
तो आप, मैं दिखाता हूँ कैसे देखते हैं, आप आइए सिस्टम पे। ये मैंने ब्राउज़र ओपन किया गूगल क्रोम, और नेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, और एड्रेस बार में आप यहाँ पे टाइप करेंगे facebook.com, और ये एंटर करते ही आपका पेज सामने आया फेसबुक का, ये देखिए। और इसका मुझे सोर्स कोड देखना है कि इसका कोडिंग क्या है इसके पीछे, तो आप राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग आपके सामने आ जाएगी, ये देखिए। लेकिन ये आपके समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको कोडिंग अभी नहीं आती, तो ये है पूरे वेब पेज जो अभी खोला था हमने फेसबुक का, ये उसकी पूरी कोडिंग है। तो इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट खोल करके उसके कोडिंग आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपने कोड देखा फेसबुक का। कोई भी वेबसाइट्स आप ओपन कीजिए और उस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर दीजिए, आपको कोड नजर आएगा। वो बात अलग है कि आपकी थोड़ा कम समझ आएगा क्योंकि आपने भी कोडिंग नहीं सीखी, राइट। तो कोडिंग क्या है ये हम आपको बता चुके, कोडिंग क्यों करते हैं ये हम आपको बता चुके। अब बात करते हैं कोडिंग करते कैसे हैं। देखिए, कोडिंग करने के लिए आपको वो लैंग्वेज के बारे में पता होने चाहिए जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। अब कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, 0-1 वाली लैंग्वेज। अच्छा, बहुत से सोचते हैं कि भाई कंप्यूटर 0-1 को जानता है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ करंट से काम करता है। ये तो हम मानते हैं कि भाई 0 का मतलब करंट ऑफ है, 1 का मतलब करंट ऑन है, तो 0-1 तो बाइनरी नाम इसका, तो इसको मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर जानता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। तो पहले जमाने में क्या होता था कि जब कोडिंग करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे, तो वो बाइनरी लैंग्वेज में ही करते थे, तो उसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता था और बड़ी मेहनत का काम भी था। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी उस टाइम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फिर कोडिंग करना आसान हो गया। जैसे जावा है, डॉट नेट है, PHP है, और आपकी C++ है, कॉटलिन है, और HTML है, और पाइथन भी इसमें से एक है। तो पाइथन इस टाइम ट्रेंड में है और आने वाला टाइम जो होगा वो पाइथन का ही होगा। तो ये हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर तो जानता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और कोडिंग कर दी हमने पाइथन में या सी में या जावा में, तो फिर वो चलता कैसे है। तो उसके लिए फिर और सॉफ्टवेयर आते हैं, उन्हें कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, और असेंबलर भी होता है एक जो असेंबल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। तो कुछ लैंग्वेज में कंपाइलर होता है मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए, कुछ लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होता है मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेट करने, और कुछ लैंग्वेज में दोनों होते हैं। जैसे जावा है, उसमें कंपाइलर भी होता है इंटरप्रेटर भी होता है। तो हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए। जब तक हम ट्रांसलेट नहीं करें कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, तब तक वो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो हम बताते हैं आपको इस डायग्राम से कि क्या है वो डायग्राम, ये देखिए। ये है वो डायग्राम जो आपको बता रहा है कि जो भी आप कोड टाइप करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, सी में, सी प्लस में, जावा में, या पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। और उस सोर्स कोड को लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से आप उसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे ऑब्जेक्ट कोड में, या मशीन कोड, या बाइनरी लैंग्वेज, एक ही बात है। तो इसको सोर्स कोड को जब तक हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो कोड है जो हमने टाइप किया है किसी भी लैंग्वेज में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो कुछ डायग्राम से आपके समझ में आ गया होगा कि भाई क्या हमने कोड जो लिखते हैं तो वो उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करने होते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी एक तरह का कोड है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर होता है वो, राइट। और अब हम आपको बताते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हर लैंग्वेज के अपने सिंटेक्टिकल रूल्स होते हैं। तो वो आपको सिंटेक्स जो रूल हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब जैसे सपोज इंग्लिश है, इंग्लिश में आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं और जैसे जहाँ पे सेंटेंस पूरा होता है तो आप फुल स्टॉप लगा देते हैं, रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का। हिंदी में अगर आप कुछ लिखेंगे तो सेंटेंस पूरा होते ही आप पूर्ण विराम लगा देते हैं, उर्दू में आप राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो हर लैंग्वेज के अपने सिंटेक्टिकल रूल्स हैं। तो ऐसे जब आप कोडिंग करेंगे, सिखाएंगे मैं आपको पाइथन में, तो उसके भी अपने सिंटेक्टिकल रूल्स होंगे। तो अगर आप सिंटेक्स से बाहर जाओगे, अगर आप सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं फिर वो आपकी उस मिस्टेक को, उस एरर को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, शो करेगा कि आपके प्रोग्राम में ये मिस्टेक्स हैं, आप पहले को दूर करिए, राइट। तो हमें सबसे पहले सिंटेक्स सीखने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम पाइथन में काम करते हैं और कैसे कैसे फिर हम लॉजिक लगाते हैं और कैसे कैसे धीरे धीरे कोडिंग करते हैं। ओके, तो ये हम
बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लास्ट में मेरी आपसे फिर से वो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक नहीं किया, और हमारे जो वीडियोस के लिंक है अपने दोस्तों शेयर करें, उन बच्चों बेचारे जो बच्चे बहुत से गाँव में रहते हैं वो भी सीख सकें, उन्हें भी फायदा हो सके। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।